ओके स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट. वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम. देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट इज आर्मेचर. ओके, एंड थर्ड पार्ट वाज कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर. देन लेट अस टॉक अबाउट आर्मेचर. आर्मेचर consist of two things. This is armature core and armature conductor. Armature conductors. So armature core और armature conductor का mix part को हम लोग आर्मेचर को और आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग आर्मेचर कहते हैं. ठीक है, आर्मेचर है क्या? दिस इज द रोटेटिंग पार्ट. क्या बोले थे आपको कि हमारा रोटर जैसा एक काम करता है. दिस ये जो दिखा रहे हैं, ठीक है, पहले देख दिखाते थे आपको कैसे रहता है. मेटालिक सीट लेंगे, सीट को हम लोग पंचिंग कर देंगे. कैसा देखिए, ऐसे ऐसे इस तरह देख रहे हैं, इस तरह का पंचिंग कर देंगे. देख रहे हैं, एक इस तरह का और ऐसा सीट लेके, मान लीजिए कि जैसे इसमें पोल कोर में दिखाए थे, ऐसा 20 सीट लेके, एक के ऊपर सीट के ऊपर एनामेल, फिर एक सीट, फिर एक एनामेल का लेयर, फिर एक सीट. तो ऐसे ऐसे करके लेमिनेट कर देंगे. अब ये क्या है, मेरा डिस्क है. जब डिस्क ढेर सारा कलेक्ट हो जाएगा तो हमारा वो काम क्या करेगा, कैसा लगेगा, सिलेंडर जैसा. तो हमारा ये इस तरह का सिलेंडर होता है. कैसा? इस तरह का गोल गोल पहले बना देते हैं आपको, राउंड. ये ऐसे है राउंड जैसा, और इस पर हमारा एक ऐसे है आर्मेचर कोर. आर्मेचर कोर हम आपको बता दें, ये हमारा इस तरह का पार्ट, ऐसे ऐसे इस तरह का कटा कटा ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, इस तरह का पार्ट रहेगा आपका. ठीक है, ऐसे बना. क्यों? इसका भी रीजन है, बताते हैं. ऐसे बना हुआ रहे, ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉटेड, है ना. कैसा है ये स्लॉट? ये वाला जो चीज है ये क्या हो गया, आर्मेचर. ये वाला जो दिखा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन दिखा रहे हैं, ये वाला ये आर्मेचर. आर्मेचर कोर है, आर्मेचर नहीं है, आर्मेचर कोर है. और कैसा है, बात समझ गए? इस तरह का हम मेटल का सीट ले लिए, पंचिंग ऐसे सीट ले लिए, गोल जैसा पंच करके ऐसे बना दिए, और है ना. और इस पर सीट दर सीट, सीट दर सीट, जैसे पलाई का सीट रहता है, एनामेल देके चिपका चिपका के कर दिया लैमिनेट. लैमिनेट क्यों करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, है ना. एडी करंट लॉसेस पूछेगा कि वाई दी जा, यहां भी हम लेमिनेट किए थे, तो वाई पोल कोर इज लेमिनेटेड और वाई आर्मेचर कोर इज लेमिनेटेड. दीज कोर्स आर लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस. ओके, तो ये हम इस तरह का बहुत सारा डिस्क लेके क्या बना दिया, सीट का. किस चीज का बना हुआ है? ऑलरेडी आपको क्या बताया है, दीज आर मेड ऑफ व्हाट? दीज आर मेड ऑफ सीट स्टील. स्टील का जो सीट होता है उससे, तो ये बना लिए. अब क्या है कि इसमें हम बीच बीच में एक दो या तीन कंडक्टर ऐसे डाल देंगे. किस चीज का कंडक्टर? मीन्स कॉपर.
जनरली कॉपर कंडक्टर डालते रहते हैं, लेकिन आजकल जो है प्राइस सुरस वाला जो कंपटीशन है तो अल्मीनियम कंडक्टर भी डालते हैं, मेनली कंडक्टर्स। हेयर दीज आर व्हाट, दीज आर आर्मेचर कंडक्टर्स। ओके, आर्मेचर कंडक्टर, देन आर्मेचर दिस वाज व्हाट, इस सब जगह रहेगा ऐसे ऐसे कंडक्टर, ऐसे ऐसे दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं, लेयर रह सकता है, यहाँ कंडक्टर है आपका, है ना, यहाँ पर रखती है। तो हम क्या अभी बताए कि आर्मेचर कोर प्लस आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो हेयर आई हैव शोन, ये आपका आर्मेचर कोर हो गया, ऐसा कंडक्टर हो गया, बीच में क्या है इसका होल है, कैसा है दिखाया भी आपको, ये आपका ऐसे गोल जैसा होल रहेगा, क्यों इसमें इस तरह का कि ये फ्रीली रोटेट करे ऐसे, है ना, एक रॉड जैसा जाता है, एक बीच में देखेंगे मोटर के बीच में अंदर में रॉड रहता है, जिसके से ये ऐसे नाच सके, नाच रहा है, देखे ना, ये आपका सिलेंडर जैसा रहेगा ऐसे, तो ये आपका नाच सकता है, देख रहे हैं, है ना, देखिए इट विल रोटेट लाइक दिस, नाच रहा है। तो ये होल जो होता है, इस होल में हम ये क्या डाल देते हैं, ये जो रॉड जैसा डाले, ये रॉड जैसा, ये दिस वन रॉड जैसा डाल दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, दिस इज शाफ्ट। ओके, तो बीच में एक रॉड है, रॉड के ऊपर क्या हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हो गया, आर्मेचर कोर हो गया, शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर कोर हो गया, और आर्मेचर कोर के बीच में क्या क्या डाल दिए, आर्मेचर कंडक्टर्स डाल दिए। आर्मेचर कंडक्टर्स आर मेड ऑफ जनरली कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, दोजर भर क्या उसको कहते हैं, क्या क्या हो सकता है, कॉपर, अल्मीनियम, ओके, एंड दीज आर प्रॉपरली कनेक्टेड, जैसे इस जगह हम कनेक्ट कर दिए थे वायर को, है ना, कॉइल को कनेक्ट कर दिए थे, तो क्या कहे थे, कनेक्टेड कॉइल्स आर नोन एज बाइंडिंग, देयर विल बी ए बाइंडिंग। ओके, समझ गया, आर्मेचर कोर जो आपका स्ट्रक्चर हो गया इसे, उसको आर्मेचर कोर कह रहे हैं। आर्मेचर कोर कहाँ है, इंसर्टेड है किसके बीच में, शाफ्ट के बीच में, ए डिस्क जैसा चीज है, किसका चीज का बना हुआ, स्टील का, ये हमारा जब चिपका चिपका के लैमिनेट कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, सिलेंडर जैसा। तो शाफ्ट पर आर्मेचर का, आर्मेचर है ना, आर्मेचर कोर का रखा हुआ, जिसको सिलेंडर का शेप जैसा है, और उसके चारों तरफ हम लोग क्या कर दिए हैं, कंडक्टर डाल दिए हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो गया, आर्मेचर। अब है देखिए क्या है, दिस पार्ट जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, इसे इसे करके रोटेट करते हैं, तो वेर इट विल बी रोटेटेड, किसको, शाफ्ट को ऐसे रोटेट करेंगे। और हमारा यहां पर क्या था, अभी हम पढ़े मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, किसको, आर्मेचर को। आर्मेचर में क्या है, कंडक्टर्स, तो इन कंडक्टर्स में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग EMF विल बी इंड्यूस्ड, कहां होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, कहां पर, एक कंडक्टर में वोल्टेज कहां आएगा, कंडक्टर पर। ओके, द नेचर ऑफ दिस दिस इंड्यूस्ड EMF इज अल्टरनेटिंग, कैसा नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, ऐसे साइनसॉइडल, है ना, इस तरह का, है ना। तो हम क्या बताएं कि यहां तक जो है ये एसी जनरेटर है, देन आफ्टर हम बताए थे कि क्या आता है, कम्यूटेटर, तो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस। क्लियर हो गया आपका, आर्मेचर क्या है, है ना, आर्मेचर क्या हो गया, आर्मेचर इज द नो नेम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर कोर एज वेल एज आर्मेचर कंडक्टर, एंड आर्मेचर कोर इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ
डिस्क आर इफ लैमिनेटेड सो मेनी डिस्क आर लैमिनेटेड देन दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ऐसा ऐसा डिस्क बहुत सारा लेके जब हम एक जगह लैमिनेट करेंगे तो सिलेंडर जैसा बन जाएगा। इस सिलेंडर को क्या कर दे रहे हैं, ये हम शाफ्ट के बीच में डाल दे रहे हैं और वो टाइट कर दिया जाता है। ये जो है नहीं कि वो फ्रीली नहीं घूमेगा, ये टाइट रहेगा, इस जगह टाइट कर लेंगे, ऐसा रहेगा कि इस पर रहे। और देन दिस विल रोटेट, शाफ्ट विल रोटेट, दिस विल रोटेट, देयरफॉर आई हैव रिटन आर्मेचर इज रोटेटिंग पार्ट, ये घूमने वाला चीज है। ठीक है, समझ गए। तो हमारा यहां दो चीज अभी और बताना है, क्या है कि ये हमारा क्या हुआ कि हेयर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड इफ वी रोटेट द शाफ्ट, शाफ्ट को जब रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर जब घूम रहा है तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हेयर मेन थिंग इज डन, अल्टरनेट क्या है, जनरेटर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज लाना। ए हमारा डीसी जनरेटर है तो डीसी में बदलेंगे, हमारा मेन काम क्या हो रहा है, करंट जनरेट करने का, तो करंट जनरेट कहाँ हो रहा है, आर्मेचर में। देयरफॉर दिस इज नोन एज आर्मेचर इज नोन एज द हार्ट ऑफ द डीसी मशीन। समझ गए, क्यों, क्योंकि अगर आपको पूछे कि मेन पार्ट डीसी मशीन का कौन है तो आर्मेचर। इफ एनीवन आस्क यू कि क्यों भाई ये कैसे मेन पार्ट हो गया, क्यों कहेंगे, तो कहिएगा कि जनरेटर का काम है एसी, जनरेटर का काम है वोल्टेज जनरेट करना, ओके, और वो अगर एक्सटर्नल सर्किट में पास करेगा तो करंट देगा, तो ए क्या देगा, वोल्टेज देगा, वोल्टेज जनरेट करना, वोल्टेज जनरेटर कहाँ जनरेट कहाँ रहा, आर्मेचर में। तो इसलिए हम लोग आर्मेचर को हार्ट ऑफ द डीसी मशीन कहते हैं, समझ गए, ओके। और आप ऐसे गौर, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बता दे रहे हैं, आपके यहाँ अगर कोई मशीन होगा, जनरेटर होगा, मोटर होगा, आपके यहाँ बाय द वे वो खराब हो गया, तो आप मैकेनिक को लाइएगा, इलेक्ट्रिशियन को, उससे पूछिएगा, देखो तो भैया खराब है, क्या बात है, वो बोलेगा आपका आर्मेचर जला हुआ। माइंड इट, आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन यही बोलते हैं, और आपको मेरा बात पर हंसी भले आए लेकिन आप गौर करिएगा, यही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मेन काम अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही है, ओवरलोड होने से, शॉर्ट सर्किट होने किसी कारण से ये हमारा शॉर्टेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा वाइंडिंग, तो हमारा वो अफेक्टेड मेनली आर्मेचर ही होता है। और वो कैसे बताएगा आपको, ये भी बता दें, अभी आप ये चीज जान सकते हैं, आप ऐसे करके सूंघ के देखिए, जस्ट ट्राई टू टेक ए स्मेल, अगर आपका खराब हो गया है जनरेटर तो, ऐसे नहीं कि सही अच्छा वाला को, खराब जनरेटर उसको ऐसे सूंघ के देखिएगा तो बदबू जैसा, महकने जैसा गंध आएगा, इट मीन्स योर आर्मेचर हैज बीन डैमेज्ड, ओके, समझ गया। तो आर्मेचर का ये रोल है। अब ये समझ गया कि वेन शाफ्ट इज रोटेटेड देन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हेयर इन कंडक्टर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड, ओके, यहां तक समझ गया। अब आइए कि हमारा थर्ड पार्ट, ये समझ गया आर्मेचर, अब हम समझे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बताया था आपको, थर्ड पार्ट क्या बताया, थर्ड पार्ट वाज कॉमुटेटर। कॉमुटेटर इज व्हाट, कॉमुटेटर इज एंड इज कॉमुटेटर इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर समझते हैं, रेक्टिफिकेशन पढ़े होंगे आप, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, है ना, पढ़े है ना कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में बदलता है उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या था, कॉमुटेटर।
कॉमुटेटर क्या है भाई? कॉमुटेटर इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसका फंक्शन क्या है? ये रेक्टिफिकेशन करता है, लेकिन ये हैवी इलेक्ट्रिक मशीन है। आपका डायोड वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है कि आपको 1.5 वोल्ट दिए अब वो हमारा एसी को डीसी में बदल दिया, नहीं, ये हैवी एलएम है। जी जनरेटर जो होता है हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जाना जाता है, तो यहाँ आपका वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा, तो इसलिए डायोड वगैरह से काम नहीं चलेगा। देयरफॉर वी आर यूजिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज व्हाट? इट इज नॉट सिंपल रेक्टिफायर लाइक डायोड। डायोड हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, दैट इज इन लो इनपुट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? उसमें लो इनपुट डिवाइस होता है। ये हमारा क्या है? हैवी इलेक्ट्रिकल सेल है, डिवाइस है, तो यहाँ हमारा उससे काम नहीं, डायोड से नहीं काम चलेगा। तो हेयर वी यूज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज व्हाट? दैट इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये क्या करता है? रेक्टिफिकेशन करता है। हमको क्या मिल रहा था यहाँ पर? क्वाइल पर, कंडक्टर पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, देन दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज फेड टू द कम्यूटेटर विद द हेल्प ऑफ ब्रश गियर। क्या होता है आपका जो है कम्यूटेटर क्या है बता, समझ लीजिए। ये आपका ये इस जगह नहीं दिखाए हैं, फिगर में नहीं है, ये शाफ्ट पर ही इस तरह का सिलेंड्रिकल चीज होता है। ये भी सिलेंड्रिकल होता है, ये कहाँ रहेगा? शाफ्ट पर ही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है? ये क्या है? मेड ऑफ कॉपर सिगमेंट है, तो समझिएगा यहाँ, ये कॉपर का नहीं बना हुआ है, कॉपर सिगमेंट का बना हुआ है। कॉपर कॉपर सिगमेंट में अंतर समझिए। ए कॉपर, दिस इज मेड ऑफ, दिस इज व्हाट? दिस इज कम्यूटेटर। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर हमारा क्या है? कम्यूटेटर कैसा है? जैसे आपका सेट था रोटर का, उसी तरह का सिलेंड्रिकल, लेकिन ये क्या है? कैसा सिलेंडर है? कम्यूटेटर जो है ऐसा सिलेंडर है जिसमें ये हमारा क्या होता है? कॉपर सिगमेंट होता है। कॉपर सिगमेंट समझते हैं, खंड खंड। तो ये हमारा इसमें ये कॉपर का टोटल नहीं बना होता है, इसमें पीस पीस, ये देखिए ऐसे 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 कॉपर रहेगा, ये रहेगा कॉपर का रहेगा, लेकिन इसके बीच में देखिए, एक चीज भूल बताना, वहां भूल गए, चलिए फिर बता देंगे कभी। ये है कम्यूटेटर को आप देख के ही पहचान दीजिएगा। देखिए आपके घर में मम्मी लोग पूजा करती हैं, कॉपर का बर्तन होता है ना, ब्राउन टाइप का, तो ये पहला तो ऊपर में ये ब्राउन ब्राउन लगेगा, देखने में पता चल गया कॉपर है। दूसरा चीज क्या है? ये जो देख रहे हैं, ये है, ये सब, ये जो देख रहे हैं, ये वाला, ये दीज आर माइका शीट्स। माइका समझते हैं, अबरक। तो हम क्या कर रहे हैं? कॉपर का है, ये देखिए, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, इसलिए इसको, और हर कॉपर के बीच में माइका का सीट डाला हुआ है। ये कॉपर है, इस जगह माइका सीट कॉपर है, माइका सीट कॉपर है, माइका सीट, देयरफॉर इट इज नोन एज कॉपर सिगमेंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटर इज मेड ऑफ कॉपर सिगमेंट। कॉपर का पूरा नहीं है, वो सिगमेंट है, खंड खंड में है, और बीच बीच में क्या है? लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ माइका सीट, लाइनिंग ऑफ, है ना। ये आपका सब जो है, देखिए ये जो है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब ये कॉपर का सेगमेंट है, टुकड़ा 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 ऐसे, और उसके बीच में माइका का लेयर है। यहाँ पर अबरख डाला हुआ है, यहाँ देखिएगा उजला उजला रहेगा, यहाँ यहाँ उजला उजला ऐसे ऐसे, तो देख क्या पहचान सकते हैं। व्हाट इज, व्हाट आर दिस, एक्चुअली नेचर ऑफ दिस इज व्हाट? दिस इज रोटेटिंग पार्ट। जैसे आपका आर्मेचर था, ये भी रोटेटिंग पार्ट है, ये भी घूमेगा, किस पर? जब शाफ्ट को घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे तो आर्मेचर भी घूमेगा
और बगल में ही कॉमुटेटर होता है, कॉमुटेटर को भी साथ साथ में घूमेगा, दोनों एक ही पर है, ठीक है। एक एक तरफ रहता है आर्मेचर, दूसरे तरफ रहता है बगल में ही कॉमुटेटर। आर्मेचर कैसे पहचान गया, वहां बाइंडिंग है, कंडक्टर है, वहां कनेक्शन है बहुत सारा, आप देख के ही पकड़ लीजिएगा कि ये रोटर है। घूमने वाला दो चीज है, एक रोटर है आर्मेचर और दूसरा क्या है कॉमुटेटर। तो हमारा आर्मेचर क्या है, आर्मेचर में कंडक्टर डाला हुआ बीच बीच में, देखिए ये बहुत सारा कॉपर का कंडक्टर डाला हुआ, देख रहे हैं गोल 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 दिखा रहे हैं। और बगल में ही क्या है कॉमुटेटर, कॉमुटेटर क्या है कॉपर सिगमेंट का बना हुआ है, मतलब बाहर से वो कॉपर जैसा देखने में लगेगा, और क्या है सिगमेंट, ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट बटा हुआ है, ऐसे ऐसे लाइनिंग है, लाइनिंग भी कैसा है माइका का, व्हाइट 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 दिखेगा, आप देख के पकड़ लीजिएगा। कॉमुटेटर समझ गए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, ये जो है हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कंडक्टर में, वो वहां से बाय कहाँ लाया जाएगा कॉपर सेगमेंट पर, ठीक है। कॉपर सेगमेंट पर किससे आता है, ब्रश गियर से, ब्रश गियर बताते हैं। तो यहाँ जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ कहाँ पर, कंडक्टर पर, वो आ जाएगा कार्बन ब्रश, इसे नाम है इसका कार्बन ब्रश, इसको आप इसके बाद वो ही बताते हैं। तो इसका ये यहां से वायर कनेक्ट होके कहां पर आएगा, कॉमुटेटर पर, किसके थ्रू, ब्रश गियर के थ्रू। अब समझ लीजिए, यहां पर एक चीज फिर से हम रिपीट कर दें, ये जो पोल्स है आप समझ रहे हैं, जितना पोल्स के बारे में बताया मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, पोल्स विल ऑलवेज बी इन इवन नंबर, क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल जब भी होगा तो क्या होगा इवन नंबर में होगा, है ना, जुड़ जोड़ा दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, 12 होगा, 16 होगा, समझ गए। तो ये जिस तरह से ये आप आपका पोल के जितना होगा इवन नंबर में होगा, उसी तरह से पोल शू है उस पर इवन नंबर ऑटोमेटिकली होगा, उसी तरह से आपका जो है ये है, यहाँ जो है कार्बन ब्रश जो हम बताएंगे अभी, कार्बन ब्रश ऑलवेज इवन नंबर में होता है, दो दो का सेट होता है, पेयर दो होगा, चार होगा, आठ होगा, 16 होगा, 12 होगा, लाइक दिस। तो पोल्स, पोल मीन्स पोल कोर एंड पोल शू आर ऑलवेज इन इवन नंबर, जब भी होगा जोड़ा होगा इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। और इस जगह भी जो हम बताए आपका कि ब्रश जो होगा कार्बन ब्रश जिसको कहते हैं उसको आप बताने जा रहे हैं, तो कार्बन ब्रश जो होगा वो क्या होगा ऑलवेज पेयर में होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ हो रहा है, क्वाइल में प्रोड्यूस हुआ, वो वायर आगे कनेक्ट कहाँ हो गया कॉमुटेटर पर, किसके थ्रू, उस ब्रश गियर के थ्रू, डायरेक्ट नहीं लेंगे, ब्रश गियर, ब्रश के थ्रू, इसको हम लोग कार्बन ब्रश या ब्रश गियर, गियर मीन्स समझते हैं, बाइक चलाते हैं गियर चेंज करते हैं, तो ये स्पीड कंट्रोल कर, ब्रश को कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको ब्रश गियर कहते हैं। तो कार्बन ब्रश के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहां से जो सप्लाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ जाएगा, कॉमुटेटर पर, किसके थ्रू, ब्रश के थ्रू कार्बन। और ये जो है कॉमुटेटर क्या करेगा, कॉमुटेटर इज व्हाट, दैट इज मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये क्या करेगा वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये चेंज जो कर दिया तो फिर वो कार्बन ब्रश से चल जाएगा बाहर वाले सर्किट में, जिस चीज में आपको लेना है ना, सपोज आप बैटरी से को चार्ज करना चाह रहे हैं तो बैटरी में वो दोनों वायर चला जाएगा, बैटरी में सप्लाई चला गया, अब बैटरी में सप्लाई जैसे ही यहाँ से देंगे डीसी सप्लाई जाएगा, सर्किट बन गया, लोड में दे कनेक्ट करेंगे तो सर्किट बन जाएगा, तो सर्किट बन गया तो उसमें डायरेक्ट करेंट प्रोड्यूस जाने लगे, है ना, मतलब ये जनरेटर जैसा काम करेगा, बैटरी चार्ज करने लगे, समझ गए, डायरेक्ट करंट फ्रॉम कंडक्टर्स ऑफ आर्मेचर वी गेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज फेड टू द कॉमुटेटर विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश, द हेयर दिस कॉमुटेटर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज एंड दिस डायरेक्ट वोल्टेज इज अगेन फेड टू द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ ब्रश
कार्बन ब्रश और ब्रश गियर. ओके नाउ लास्ट थिंग दैट इज व्हाट ब्रश गियर. तो अब हम कार्बन ब्रश समझा दें आपको. ये हो गया आपका, इतना समझ गया. अब हम आपको कार्बन ब्रश समझा दें, है ना. इतना समझ गया, थोड़ा सा और बच गया आपको, वो भी खत्म ही कर देते हैं. आज आपका कंस्ट्रक्शन खत्म. नेक्स्ट डे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे क्या आगे टाइप्स. तो दिस वाज व्हाट कम्यूटेटर एंड दिस वाज ब्रश गियर. अब ब्रश गियर होता क्या है, ठीक है. तो आप लोग मिक्सी वगैरह देखे होंगे, मिक्सी में इस तरह का चीज लगा हुआ रहेगा. जहां आप सप्लाई देखिए दीजिएगा, तो जैसे ही सप्लाई दीजिएगा चट 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 स्पार्क जैसा होगा. एक ऐसा होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, ऐसे छोटा सा चौड़ा जैसा चीज होगा ऐसे. ओके दिस इज जनरली मेड ऑफ कार्बन. ओके देयरफॉर इट इज नोन एज कार्बन ब्रश एंड इट रेस्ट्स ऑन. कार्बन ब्रश रेस्ट्स ऑन व्हाट कम्यूटेटर. एक कम्यूटेटर पर रखा रहेगा, ठीक है. एक कम्यूटेटर ऐसे घूम रहा, ऐसे रखा रहेगा ये. एक कम्यूटेटर ऐसे घूम रहा है ना, देखिए जैसे घुमा रहे हैं इसको, घुमा रहे हैं. एक कम्यूटेटर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये इस पर ऐसा रखा रहेगा, ये घूम रहा, ये ऊपर रखा रहेगा. तो कैसे रहेगा, हाउ इट विल रेस्ट ऑन कम्यूटेटर. तो क्या होता है कि ये जो कार्बन ब्रश, ये हमारा कैसे हो गया, एकोमोटेटर हो गया, है ना. और इस पर हमारा कार्बन ब्रश ऐसे रखा हुआ, ऐसे. तो भाई ये घूम रहा, ये क्या है, कम्यूटेटर है ना. इसको कम्यूटेटर दिखाने के लिए हम क्या कर दें, सेगमेंट दिखा दें, तो आपको समझ में आएगा. दिस वन इज व्हाट, ऐसे दिखा दें, समझ जाइएगा. ऐसे तो देखते के साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, है ना. ठीक है. और क्या बताया आपको, ऑलवेज कार्बन ब्रश क्या रहता है, पेयर में रहता है. तो एक पेयर यहां रहेगा. अभी होता कैसे, हम क्या कह रहे हैं, कम्यूटेटर ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा, और उस पर ये रखा रहेगा, ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे रखा. तो कैसे रखा रहेगा, तो एक्चुअली कार्बन ब्रश, दिस इज व्हाट कार्बन ब्रश एंड दिस इज रेस्टिंग ऑन व्हाट कम्यूटेटर. किस पर रखा हुआ, कम्यूटेटर पर. एक्चुअली एक जो है ये रखा रहता है एक इस तरह का चीज पर, ऐसे ऐसे रखा रहता है. इसको दिस वन इज नोन एज ब्रश होल्डर, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं ब्रश होल्डर, ठीक है. ये ब्रश होल्डर कहलाता है. आप देखे होंगे बल्ब वगैरह, बल्ब होता है, बल्ब ऐसे होल्डर में डाल देते हैं. तो होल्डर क्या होता है, होल्डर ऐसे बल्ब को ऐसे पकड़े रहता है, है ना. सही है. दिस इज द होल्डर, होल्डर ऑफ व्हाट, कि ब्रश, किसका, कार्बन ब्रश का ये होल्डर है. कार्बन ब्रश इसमें ऐसे सेट रहेगा, है ना. जैसे ऐसे आपका कार्बन ब्रश है, ऐसे यहाँ पर ये होल्डर इसको ऐसे रखे. देखिए जैसे कार्बन ब्रश है ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का, ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पर ये ब्रश होल्डर से ऐसे ही रहेगा, ठीक है. अब ब्रश होल्डर क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग होता है. देखिए यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग से इसको ऐसे प्रेस किए रहेगा, है ना. तो स्प्रिंग से टच करते रहेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए. कार्बन ब्रश, ब्रश होल्डर में रखा हुआ. ब्रश होल्डर में क्या है, ये है आपका स्प्रिंग. तो स्प्रिंग से आपका क्या है, ये स्प्रिंग ब्रश होल्डर वाला इसको कार्बन ब्रश को पुश किए हुए, है ना, पुश किए हुए. तो ये कम्यूटेटर के टच में रहेगा, ठीक है. अब क्या है कि कार्बन ब्रश जो है टच में है, है ना. तो ये घूम रहा है, तो एक्चुअली ये कहाँ आएगा, ये जो है ये वाला चीज, देखिए अब यहाँ देखिए ए वाला जो है कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ एक सप्लाई यहाँ से निकल गया, एक सप्लाई मान लीजिए यहाँ से निकल गया. तो ए वायर यहाँ आ जाएगा,
ए वायर कनेक्ट हो जाएगा यहाँ कार्बन रस्सी, समझ गए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ था कंडक्टर में, यहाँ से वायर आया कहाँ जो हो गया कनेक्ट, डीजर दे हमारा है क्या है कार्बन ब्रश है, ठीक है ये कार्बन ब्रश है। ठीक है ये कार्बन ब्रश में एक इधर से सप्लाई आ गया एक इधर से आ गया, क्या था अल्टरनेटिंग है, किसका नेचर क्या है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, किस नेचर का है इस नेचर का है, ठीक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये आया कहां कंडक्टर से अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया कार्बन ब्रश में, ओके। अब ये हमारा है मान लीजिए कि ये हमारा क्या है बैटरी है, ये समझ लीजिए हमारा क्या है बैटरी, कैसा ये बैटरी है हमारा जिसको हमको चार्ज करना है, सपोज ये 12 वोल्ट का बैटरी इसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं। अब यहां से सप्लाई इसमें जाएगा और यहां से सप्लाई यहां आएगा। अब ये हम जैसे ही देखिए कि हुआ क्या, अब देखिए फाइनल हुआ क्या, हम क्या किए जनरेटर को ऐसे ऐसे घुमाए तो ये हमारा रोटर घुमा कहां मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में घुमा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ कहां पर कंडक्टर में, एक कंडक्टर से अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक कार्बन ब्रश में आ गया दूसरा इस कार्बन ब्रश में आ गया, ठीक है। अब ये कार्बन ब्रश से आ गया कहां पर कम्यूटेटर पर, ये कम्यूटेटर क्या करेगा इसको क्या कर देगा, ये आ रहा है कैसा अल्टरनेटिंग, इसको ये क्या बदल देगा डायरेक्ट वोल्टेज में बदल देगा, डायरेक्ट वोल्टेज में बदल दिया है ना, मतलब यहां हो सकता यहां प्लस मिलेगा तो यहां माइनस मिलेगा। अब यहां क्या है सर्किट आपका क्लोज हो गया, देखिए यहां से आया ये हुआ आपका सर्किट क्लोज हो गया, तो सर्किट क्लोज हो गया तो ये क्या हो गया करंट फ्लो करने लगा, इसमें करंट फ्लो करने लगा है ना, करंट फ्लो करने लगा तो ये क्या हो गया डायरेक्ट करंट बन गया, तो ये क्या हो गया ये वाला चीज क्या हो गया करंट जनरेट किया, तो इसलिए इसको क्या कह दिया डीसी जनरेटर, ओके है ना। फिर से आपको हम इसका फंक्शन जब बताएंगे टाइप्स वगैरह बताएंगे तो और क्लियर करेंगे, ओके।